हेलो सुन, पापा मम्मी एग्जैक्ट आधे घंटे में निकलेंगे, तो 40-45 मिनट बाद आ जा। हेलो, हाँ सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चल बाय। हेलो सरप्राइज, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। व्हाट? ओह नो। मुझे ढूंढ रहे हैं विशाल? विशाल क्या हुआ? विशाल, विशाल क्या हुआ? अरे एक्सक्यूज मी, हू द हेल? मैं बैग कुछ ज्यादा ही भारी हो गया। मैं क्या हुआ इसे? तू कौन है? तुम लोग कौन और इस तरह से अंदर कैसे आ गए? दोस्त दरवाजे से आए। बे वो छोड़, पहले ये बता इसे क्या हुआ? बेहोश हो गया। हमें तो खराब दिख रहा। कहाँ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बे बकलोल औरत, मैं घोड़े की नहीं छोरे की बात कर रहा कि ये बेहोश कैसे हुआ। फट्टू है तुम्हारा दोस्त। एक साल से हम लोग रिलेशन में, पर अब तक इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि अपने घर वालों से हमारे रिश्ते को लेकर बात कर सके, और जब मैं बात करने आई तो बेहोश हो गया। मैं डर गई थी बहुत। मैंने पूरा घर चेक किया, अंकल आंटी भी नहीं है। पर हमें तो ऐसे किसी भी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पता। पता तो मुझे भी तुम लोगों के बारे में नहीं था। BFF है हम लोग, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। हमारे किससे पूरे स्कूल में फेमस है। इसके बावजूद भी उसने कभी तुम लोगों का जिक्र नहीं किया। वी आर लाइक चड्डी बड़ीज़ हैं। बचपन से लेके आज तक साथ पढ़ते आए हैं हम लोग, और जरूरत पड़ने पे एक दूसरे का कच्छा भी एक्सचेंज कर लेते हैं हम लोग। इतनी इतनी गहरी दोस्ती है हमारी। अब तेरे साथ तो एक्सचेंज नहीं कर सकता ना। हाँ किया है। क्या? हाँ मतलब कैसे? क्या बोल रहा? तू कच्चे के आधार पे नहीं जीत सकता। नहीं नहीं बोलने दो। इसकी माना तो तुम्हारे आपस के टट्टे पे भी एक दूसरे के नाम का टैग लगा होता है। कुछ भी कहो, पर फ्रेंड्स के मुकाबले लाइफ पार्टनर्स का दर्जा हमेशा ऊपर ही रहता है। तो निकल, हम लोग संभाल लेंगे। मैं अपने बाबू को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। मैं बता, तमीज से बात करो। सुनो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम दोनों हैं यहाँ, संभाल लेंगे। और तुम भी बेचारी कब से खड़ी हो, है ना? और इसके बारे में तो सोचो, अगर हम लोग इसे ऐसे ही घेर रहे तो और बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा कि तुम टेंशन ना लो, बेझिझक जाओ, हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, बात तो सही है, पर ऐसे अहम मौके पे मैं अपने बाबू को अकेला नहीं छोड़ सकती। घुस उसके पिछवाड़े में। अरे तुम समझ नहीं रही, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। पर क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबू को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे वही तो बता नहीं सकता ना। क्यों? मुझे बताओ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे जानने का पूरा हक है। प्रॉब्लम बॉयज प्रॉब्लम, एड्स। एड्स बवासीर। अच्छा, इसीलिए वो अपना कच्चा एक्सचेंज नहीं करता था। विशाल विशाल विशाल, अरे ये वापस से बेहोश हो गया। तुम लोग प्लीज कुछ करो। Denied. तुम लोग बस नाम के दोस्त हो, जरूरत के समय कोई साथ नहीं देते। शर्म आना चाहिए तुम लोग। चलो ठीक है, तुम घर जाओ, थोड़ा फ्रेश हो लो, हम लोग सब संभाल लेंगे। बाय। गई? हाँ। चल अब जल्दी से खत्म करते हैं। Right. ओए मेरा पे कहाँ है? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। कहाँ तुम और कहाँ मैं बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड हो चुका हूँ। ये देखो, अब तो मैं तुम्हारे सामने भी खुद को रोक नहीं पाया। मुझे अच्छा हो रहा है। भाई ये तो नॉर्मल पानी था। बेबी यू आर सो स्ट्रेस्ड ना, जो भी हो हम लोग मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। अरे पिंकी तुम समझ नहीं रही। अच्छा यही है लाइन स्पार वाली पिंकी? नहीं, मैंने उसे देखा है, ये जरूर पिछली गली वाली पिंकी होगी। पिंकी नाम के कितनी लड़कियों को जानते हो तुम? गिनना पड़ेगा। गिनना पड़ेगा? अरे तुम्हारा नाम मैं किसे जानता हूँ? आई जस्ट हेट यू, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं जा रही। अरे
मुझे तो लगा आज का प्लान कैंसिल, बॉयज प्रॉब्लम के नाम पे एड्स बवासीर क्या क्या बकरा। तो मोबाइल लेने आई थी, मैं तुम्हें अभी ब्लॉक कर रही हूँ। सुनो वो दूसरा वाला नंबर भी ब्लॉक कर देना, मेरे पापा का है। सुनो वो दूसरा वाला नंबर भी ब्लॉक कर देना, मेरे पापा का है। मुझे चीट किया ना, अब देख भाई मेरे स्कोर कर दे प्लीज, मैं चिलकर कर रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था, नेटवर्क चेक कर रही थी। हाँ कर लो। वीडियो स्टार्ट। तू चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकती है। जी नहीं शुक्रिया, बाय। ये गया वीडियो तेरे पापा के पास। कुछ भी बोल ले पर ये पिंकी तेरे लिए काफी सीरियस थी। अबे घंटा सीरियस, प्यार के नाम पे कारावास नहीं चाहिए मुझे। भोंसड़ी वाला बच्चा। ओ भोंसड़ी वाला बच्चा। बे क्या भोंसड़ी वाला चच्चा सुना था? भोंसड़ी वाला बच्चा। साले धोखा चाहता है। पापा वेट, मैंने आपको इन्फॉर्म करवाया था। हाँ गेस स्पॉट, मैंने सोच लिया कि कल ही मैं तुम्हारे घर वालों से हमारे रिश्ते की बात करने आ रही। बाय। पापा मेरा फोन। पिंकी प्राण। पापा मारो मत, मैं आपके लिए दारू जुगाड़ सकता हूँ। हाँ लॉकडाउन में, पर आपको प्रॉमिस करना होगा कि मम्मी को कुछ नहीं बताओगे, बाकी मैं सब संभालूंगा। हेलो सरप्राइज, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। व्हाट शिट। पापा आप जल्दी मम्मी को लेकर निकलो, पिंकी बाहर खड़ी है। वो तो कल आने वाली थी ना। हाँ पर पता नहीं, आप जल्दी से मम्मी को लेकर पीछे के दरवाजे से निकलो। डील याद है ना? हाँ वो आप कुछ पे छोड़ दो। मैंने जानबूझकर उससे कहा कि आपका नंबर उसके पास है ताकि वो ऐसी ही कोई हरकत करे। ये सब आपका कोल्ड ड्रिंक मिलाया हुआ है। हेलो गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी? कौन सा लाइन, कौन सा डायलॉग, कौन सा कैरेक्टर आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो आगे प्रमोट करने लायक है, तो उसे आगे प्रमोट करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या दिक्कत है, कर दीजिए, फ्री का है। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आगे वीडियो में, अगले वीडियो में कमिंग जो भी आने वाला आगे प्रोजेक्ट, पता नहीं दिमाग में कुछ है नहीं फिलहाल के लिए। सो एडवांस में हैप्पी दुर्गा पूजा, बाय, टेक केयर।